हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निर्मला आरी वर्क में। आज की इस वीडियो में हम शुगर बीट्स लोड स्टिच बनाना सीखेंगे। इसके लिए आपको इस तरह से पाइपिंग डोरी स्टिच कर लेनी है, जिगजैग स्टिच की मदद से, जैसे मैं कर रही हूँ। अब हम शुगर बीट्स ले लेंगे, अपना टेलरिंग थ्रेड और वुडन नीडल। अब हमको लोड स्टिच बनाना है। इस तरह से हम थ्रेड के एंड में नॉट लगा लेंगे, ऐसे देखिए इस तरह से, और अपने निडल में शुगर बीट्स भर लेंगे। अब स्टार्ट करना है आपको, एकदम पॉइंट पे से स्टार्ट करना है इस तरह से। पहले हम 3 शुगर बीट्स ड्रॉप करेंगे, देखिए इस तरह से, ताकि पॉइंट पे प्रॉपर आ जाए शेप। अब हम 4 शुगर बिट्स ड्रॉप करेंगे, देखिए इस तरह से 4 शुगर बिट्स ड्रॉप किए। अब हमको 5-5 शुगर बिट्स ड्रॉप करते जाना है इस तरह से, देखिए मैं 5 शुगर बिट्स ले ली हूँ, देखिए तरह से। और ध्यान रहे कि क्रॉस क्रॉस में ही आपको स्टिच करना है, कि बड़ा लूप लेके मैं इधर आई और ऊपर की तरफ स्टिच करना है। जब इस तरफ आएंगे तो ऊपर की तरफ स्टिच करना है, फिर जब उस तरफ गए शुगर बीट्स डाल के तो नीचे की तरफ स्टिच करना है। हमको उस तरफ से शुगर बीट्स ड्रॉप नहीं करना, जब हम इस तरफ आएंगे तो इस एक ही तरफ से, जब जिस तरफ से आप ड्रॉप कर रहे हैं शुगर बीट्स या कोई भी मटेरियल, आपको उसी तरफ से ड्रॉप करना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरह से बड़ा लूप शुगर बीट्स ड्रॉप किया मैंने, उस तरफ गए। अब एक छोटा चैन स्टिच, बड़ा लूप लेके इस तरफ आ रही हूँ, देखिए इस तरफ आ गई। अब छोटा चैन स्टिच लूँगी, अब 5 शुगर बीट्स ड्रॉप करूँगी, देखिए इस तरह से, इस तरह से। आपको क्रॉस क्रॉस ही बनाते जाना है, देखिए इस तरह से। फ्रेंड्स, आप जब भी कोई वर्क देख रहे हैं ना, नीडल वर्क है खासकर आरी में, तो आप नीडल की तरफ ध्यान रखिए, नीडल पे ध्यान दीजिए, नीडल कैसे वर्क कर रही है, आपको नीडल पे ही ध्यान देना है। देखिए अब इस तरफ से मैं ड्रॉप कर रही हूँ, 5 शुगर बीट्स ड्रॉप किया मैंने, देखिए छोटा चैन स्टिच लेके बड़ा लूप लेके इस तरफ आ गई, ऊपर की तरफ छोटा चैन स्टिच लिया, अब 5 शुगर बीट्स ड्रॉप कर रही हूँ, देखिए अब उस तरफ गई। आपका ध्यान हमेशा नीडल की तरफ होना चाहिए, नीडल कैसे वर्क कर रही है ये आपको देखना है, तो आपको सीखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स देखिए इस तरह से, देखिए मैं कैसे स्टिच करते जा रही हूँ, बड़ा लूप लेके इस तरफ आई, देखिए मैं एक ही तरफ से ड्रॉप करते जा रही हूँ शुगर बीट्स, मैं उस तरफ से ड्रॉप नहीं कर रही हूँ, इसी तरफ से ड्रॉप कर रही हूँ, देखिए अब इस तरफ आ रही हूँ, देखिए छोटा चैन स्टिच लिया, अब शुगर बीट्स ड्रॉप करूँगी, देखिए 5 शुगर बीट्स ड्रॉप किया। इसी तरह से आप लोगों को भी लोड स्टिच बनाना है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको स्टिच करते जाना है। आपको कम या ज़्यादा मटेरियल ड्रॉप नहीं करना है, आप जितना स्टार्ट किए हो आपको उतना ही ड्रॉप करते जाना है, जितना मैं ड्रॉप करते जा रही हूँ, देखिए इस तरह से। अब कम ज़्यादा ड्रॉप करोगे तो आपकी डिज़ाइन एक जैसी नहीं दिखेगी, डिज़ाइन आपकी ख़राब दिखेगी, कहीं मोटी दिखेगी तो कहीं पतली दिखेगी, इसलिए आपने जितना
डिसाइड किया है कि मुझे इतना ड्रॉप करना है, तो आपको उतना ही ड्रॉप करते जाना है। देखिए मैंने 5 स्टार्ट किया, तो मैं 5 ही ड्रॉप कर रही हूँ शुगर बिट्स इस तरह से। देखिए इस तरह से 5 ही शुगर बिट्स ड्रॉप करते जा रही हूँ मैं। जब एंड में आएंगे तो हमने जैसे स्टार्ट किया था, 3 लिए थे फिर 4 लिए थे, तो उसी तरह से हम एंड करेंगे। पहले 4 ड्रॉप करेंगे फिर 3 ड्रॉप करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से क्रॉस क्रॉस में आपको बनाते जाना है जैसे। देखिए इस तरह से इस तरह से आपको बनाते चले जाना है। अभी हमारा ये एंड आया है, अभी यहाँ पे हमारा ये वर्क खत्म होने वाला है, तो हमको उसको प्रॉपर एक शेप देना है। तो देखिए अब इसके बाद में 4 ड्रॉप करूँगी, फिर उसके बाद में 3 शुगर बिट्स ड्रॉप करूँगी। देखिए मैं इस तरफ आई, अब 4 शुगर बिट्स ड्रॉप करूँगी। इस तरह से देखिए 4 शुगर बिट्स ड्रॉप किया, अब फिर 3 ड्रॉप करेंगे। अब देखिए मैं 3 ड्रॉप कर रही हूँ, इससे एक प्रॉपर शेप मिल जाता है हमको। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए।